ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है आठ छः 62। रिकॉर्ड चला है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। निश्चय बुद्धि बच्चे जानते हैं कि हम बाप के सामने बैठे हैं, और तुम हो जीव आत्माएं। तुम्हारा शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे सामने बैठे हो, तो तुमको ऊंचते ऊंच मत लेनी है। इस ऊंच मत से क्या होगा, तुम ऊंचते ऊंच देवी देवता पद पावेंगे। वो ऊंचते ऊंच है सभी का बाप, और तुम जानते हो कि जिन्होंने कल पहले जाना था, पहचाना था, बाबा का वर्षा लिया था, उनकी श्रीमत द्वारा वो अभी मिलेंगे। उस भगवान की तुम अभी मत ले रहे हो, और कोई की भी मत लेने से सभी ने धोखा खाया। सभी से धोखा ही मिलता है। अब यहां टीचर से कोई धोखा नहीं मिलता है, टीचर तो पढ़ाते हैं, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। वो पढ़ाई भी हद के अल्पकाल के लिए सुख के लिए है, परंतु ये तो श्रीमत है उस बेहद के बाप की। वो ही फिर शिक्षक अर्थात बेहद का टीचर भी है। वो है हद के बाप, हद के टीचर। बाप से क्या मिलता है, वो हद का बाप शादी कराए देते हैं, अर्थात विख सेवन कराते हैं, और वो पारलौकिक बाप आकर के अमृत सेवन कराते हैं। फिर ये सदगुरु भी है सारी दुनिया का, जिसको श्री श्री 108 जगत गुरु कहते हैं। दुनिया से चुनिंदा आत्माएं 108 निकालते हैं, जिनकी माला बनती है। वो माला बनाने वाला यहां बैठा है, और माला भी उनकी ही है। माला में पहले पहले है परमपिता परमात्मा, फिर प्रजापिता। बाप आकर रचना रचते हैं। बच्चे को गोद में लेते हैं, फिर बाद में टीचर की गोद में देते हैं, तो पहले बाप का हार बनते हैं, फिर टीचर का हार बनते हैं, फिर पिछाड़ी में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो गुरु का हार बनते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तित्व मिलता है,
यहाँ भी एक ही निराकार है, वो साकार का आधार लेकर आए हैं मत देने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है, और तो जो भी मत देने वाले हैं उनों की सब की उल्टी मत है। वो गुरु लोग भी गंगा स्नान आदि कराते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं हर 5-4 वर्ष के बाद आता हूं, जबकि ये ड्रामा पूरा होता है। मैं आकर के साधारण तन का आधार लेता हूं। आधार तो तुम आत्माएं भी लेती हो, क्योंकि तुम भी पहले नंगे थे, फिर शरीर का आधार लिया, परंतु तुम तो गर्भ में आते हो। मैं गर्भ में नहीं आता हूं, बाकी मनुष्य मात्र सभी पुनर्जन्म लेते हैं। गर्भ में आना पड़ता है, और मैं तो सारे कल्प में एक ही बार आता हूं। अभी बाबा कंट्रास्ट दिखाते हैं श्रीमत से, कि देखो श्रीमत से तुम क्या बनते हो और मनुष्यों की मत से तुम क्या बनते आए हो। ये कंट्रास्ट भारतवासियों के लिए ही है, और आगे आवेंगे भी वो ही जिनों का बहुत जन्मों के अंत के जन्म का पार्ट होगा। जिनों का पार्ट होगा, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए होंगे, उनों को ही यहां आए निश्चय होगा। बरोबर हम सो देवता थे, फिर अंत में शूद्र बने, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। शूद्रों को कहेंगे कांटे, कांटे से अभी कली अर्थात ब्राह्मण बन, फिर देवता फूल बनेंगे। ये हो गई ज्ञान की बातें, बाकी गंगा स्नान आदि की बात नहीं है। वो सागर अथवा गंगा कोई चेतन थोड़े ही हैं, जो कहां जावेंगे। तुम तो चैतन्य ज्ञान गंगाएं हो। जब कोई कहे कि फलाने फलाने कारण से मैं नहीं आ सकता हूं, अच्छा अपन पास ज्ञान गंगाओं का निमंत्रण दे करके बुलाओ तो वो आ जावेंगी। अब वो गंगा कोई निमंत्रण देने से आवेगी थोड़े ही। तुम तो चैतन्य हो, वो तो जड़ गंगा है, निमंत्रण पर जाते आते हो। अच्छा 7 रोज के लिए निमंत्रण दो, वहां जाकर समझाओ। शिव बाबा त्रिमूर्ति बैठ समझाते, वो बेहद का बाबा बेहद का रचयिता है, बेहद का सदगुरु है, सदगति देने वाला भी है, और वो सदगति तो सभी को देंगे। एक भी इस दुनिया में दुर्गति वाला नहीं रह जाएगा। अगर एक भी दुर्गति वाला रह जाए तो स्वर्ग कहा ही नहीं जाएगा। इस समय तो सभी मनुष्य पतित हैं।
सभी के लिए कहेंगे दुर्गति में है, और फिर दुर्गति में रहने वालों ने अपने ऊपर झूठे नाम रख दिए हैं, कितना धोखा देते हैं। गीता में भी अर्जुन को कहा है ना, तुमने कितने गुरु करके गुदों का खाया है। ये गुरु तो और ही दुर्गति में ले जाते हैं, इसलिए उन गुरुओं को छोड़ो। बल शरीर निर्थ जिस्मानी पढ़ाई भी करो, धंधा करो, परंतु साथ साथ ये कोर्स भी उठाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। विष्णु चतुर्भुज को कमल का फूल देते हैं ना, ये ज्ञान की निशानियां हैं। इस अंतिम जन्म में ऐसा कमल फूल समान पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे साथ तुम्हारा योग होगा तो तुम्हारे सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। ये श्रीमत है, भगवान ने जरूर कभी श्रीमत दी थी। कब दी थी? 5000 वर्ष पहले। इसको कहते ही हैं श्रीमत, श्रीमत भगवत गीता। गीता में उनकी मत गाई हुई है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ये ज्ञान देता हूं, बाद में ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर बताओ ये गीता शास्त्र आदि बात कहां से आते हैं? बाद में आए तो ना। 8662 की वाणी का दूसरा पेज। बाप समझाते हैं जो भी शास्त्र रचने वाले हैं उन्होंने समझाया आदि सनातन देवी देवता धर्म है, तो उनका शास्त्र भी चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा कुछ बैठ करके बनाया है। ये शास्त्र तो पीछे बनते हैं ढेर के ढेर, तो ऐसी गीता बनाई है। फिर कहते हैं व्यास ने गीता बनाई, और गीता का ज्ञान कृष्ण ने सुनाया, परंतु किस नाम रूप से सुनाया, किस देश काल में सुनाया, सारी झूठी बातें सुनाते हैं। है ये संगम की बात। ये गीता का ज्ञान कोई परंपरा से सतयुग से नहीं चला आता है, और सभी के शास्त्र तो शुरुआत से चले आते हैं, क्योंकि वो धर्म भी जीते हैं। परंतु ये देवता धर्म तो प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में कोई भी शास्त्र मंदिर ठिकाने आदि रहते ही नहीं। भक्ति की ही जाती है परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए। समझते हैं भगवान के पास जाने से शांति धाम में चले जावेंगे। भगवान के घर को शांति धाम कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि को शांति धाम थोड़े ही कहा जाता है। भारत तो सुख धाम था, ऐसे नहीं कहेंगे कि भारत शांति धाम था। शांति धाम में तो कर्म करने की भी दरकार नहीं, वहां स्वर्ग में तो कर्म करना पड़ता है, परंतु वहां माया न होने के कारण दुख आदि नहीं होता है। वहां तुम प्रारब्ध भोगते हो सुखों की,
देवी देवताएं 21 जन्म प्रारब्ध भोगते हैं। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सुख की प्रारब्ध बनाए रहे हो और ये प्रारब्ध भारतवासियों को ही मिलती है। शास्त्रवादियों ने तो सतयुग त्रेता में भी रावण कंस आदि बैठ दिखाए हैं। कहेंगे उनकी जैसी दृष्टि वैसी उन्होंने सृष्टि बैठ बनाई है, ऐसे ही फिर शास्त्र बनाते हैं। अभी तुम जीव आत्मा है उस परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, वो है प्रजापिता ब्रह्मा। पति तो फिर स्त्री के पति को कहा जाता है, शास्त्रों में फिर प्रजापति नाम दे दिया है। अभी देखो इस प्रजापिता को कितने बच्चे हैं, कृष्ण को तो प्रजापिता कह ही नहीं सकते, कृष्ण का तो बच्चे का रूप पूजा जाता है। ये तो वो प्रजापिता एक है जिसे सारी मनुष्य सृष्टि पहले पहले रचते हैं और वो भी ट्रांसफर करते हैं, बाकी प्रलय तो कब होती नहीं है। प्रलय हो जाए तो फिर मोक्ष भी मिल जाए। ये षष्ठी चक्र फिरता ही रहता है। बाबा कहते हैं मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, मेरी भी सदा काल के लिए मोक्ष नहीं हो सकती। लोग तो कहते हैं पत्ते पत्ते ईश्वर के हुक्म से हिलते हैं, परंतु बाप कहते हैं ये ड्रामा तो अनादि शूट हुआ पड़ा है जो रिपीट होता रहता है। सेकंड सेकंड पास हुआ फिर रिपीट होगा, ये बात कितनी ऊंची है। अभी तुम निश्चय करते हो बरोबर हमको परमपिता परमात्मा से भी की श्रीमत मिलती है, ऐसे नहीं है कि मेरी मत तुमको मिलती है, नहीं। ये भी कहते हैं मैं उनकी श्रीमत पर चलता हूं, कौन कहते हैं है? ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं कि उनकी श्रीमत पर चलता हूं। शिव की श्रीमत कैसे मिलेगी? शिव तो बिंदी का नाम है। ये ब्रह्मा भी कहते हैं मैं उनकी श्रीमत पर चलता हूं। इनको शिव बाबा कब मिलता है जो चलते हैं श्रीमत पर? इन ब्रह्मा को शिव बाबा कब मिलता है जो इनकी श्रीमत पर चलते हैं? क्या झूठ बोलते हैं? है? ये भी कहते हैं कौन? ब्रह्मा, कि मैं उनकी श्रीमत पर चलता हूं, इनकी श्रीमत पर चलता हूं। आदि में भी उनकी श्रीमत पर चले थे और अंत में भी उन्हीं की श्रीमत पर चलते हैं। भगवान की मत तो जरूर ऊंची होगी ना, तो बाप शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। वेद का ज्ञान सुनाए त्रिकालदर्शी बनाए देते हैं, खुद आकर के माताओं द्वारा पढ़ाते हैं, पढ़ाए करके नरसिंह नारायण बनाते हैं। पहले पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि हमको ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मिलती है, वो शिक्षक भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी आकर के सुनाते हैं, कहते हैं
मैं पंडा बन करके आता हूं। आकर के तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताता हूं। योग से तुम मुक्ति धाम जावेंगे और तुम्हारे विकर्म विनाश भी होंगे। कोई कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु दूर दूर कर देते हैं, इसलिए आने में हमको देरी हो जाती है। अच्छा, तुमको आने में देर हो जाती है, परंतु ये तो चैतन्य ज्ञान गंगाएं बैठी है ना, तुम इनको अपने पास बुलाए लो, तुमको रोज आए ज्ञान स्नान करावेंगी। ज्ञान स्नान कराए के नर से नारायण बना देंगी। दियो निमंत्रण, खाना भी उनको बाबा से ब्रह्मा भोजन मिलना है, ये अपने हाथ से पकाए के खावेंगी। तुम्हारे घर का अपवित्र भोजन तो नहीं खावेंगी, ये तो सर्विस करने के लिए तैयार है, परंतु तुमको 8 रोज पूरा भट्टी में पड़ना पड़ेगा। फिर बाहर का कोई भी ख्याल आदि नहीं करना है। तुम्हारे में जो 5 विकारों की कड़ी बीमारी है, उनकी दवाई करेंगे। रोज ज्ञान इंजेक्शन लगाते रहेंगे, और ये ज्ञान इंजेक्शन है ही ज्ञान सागर के पास, जिससे आत्मा एवर हेल्दी बन जाएगी। ये ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाते हैं, वो डॉक्टर तो सुइयां लगाते हैं, सुई में कितना दर्द होता है, इसमें तो दर्द आदि की भी बात नहीं है, सिर्फ कहते हैं लाडले बच्चे बाप को याद करो, इस योग से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये सच्चा योग का इंजेक्शन है, और है बिल्कुल सहज। फिर दूसरा है ज्ञान का इंजेक्शन, बीज और झाड़ का राज समझना है। ये ह्यूमन वैरायटी झाड़ है, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई नाटे हैं, कोई लंबे चौड़े हैं। भारत पहले गोरा था ना, अभी काला बना है। ज्ञान शिक्षा पर बैठने से गोरे बन जाते हैं, फिर काम शिक्षा पर बैठने से काले बन जाते हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को काला बैठ बनाई दिया है। अभी लॉर्ड कृष्ण सो फिर ऐसा काला होगा क्या? विलायत वाले कहते हैं कि लॉर्ड कृष्ण हमको भी चाहिए, समझते हैं ये कृष्ण हैविन का था। अच्छा, ओम शांति। अगली वाणी है 11/6/62 की, रिकॉर्ड दिया है किसने ये सब खेल रचाया। ये बात परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये खेल रचने वाला कौन है, मैं अभी क्या कर रहा हूं, ये भारत अभी कांटों का जंगल है। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग, बैकुंठ अथवा फूलों का बगीचा, वो देवताओं की दुनिया है। तो
तो मैं कांटों को बैठे फूल बनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले ये भारत देवी देवताओं अर्थात फूलों का गुलशन था, अभी देखो कांटों का जंगल बन गया है। फूल सुखदाई को कहा जाता है, कांटा दुख देने वालों को कहा जाता है। सारा कांटों का जंगल बन गया, सरसों मिसल है और ये बागवान का दैवी गुलशन, वो आसुरी दुनिया ये दैवी दुनिया। आसुरी दुनिया में 550 करोड़ कहेंगे सरसों मिसल हैं। अभी तुम्हारा कलम लगा हुआ है, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाया गया है, कन्वर्ट किया गया है, तो देखो बाबा क्या कर रहे हैं, भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं। बाकी जो दुनिया है वो सभी अपना हिसाब किताब खलास करके मुक्ति धाम चले जाएंगे, वो सब आत्माओं के झाड़ में चली जाएंगी। ये बड़ा झाड़ है ना, अंश मात्र में हम आत्माएं ब्रह्मांड में निवास करती हैं, उसको निर्वाण धाम कहा जाता है। अगर कहें कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो फिर धाम तो नहीं कह सकते हैं। तो भी भारत को ज्ञान से गुलगुल बनाए रहे हैं, तुमको विक्रमाजीत बनाए रहे हैं। सत्युग में विक्रमाजीत राजा था, विक्रम राजा का विक्रम संबत भी अलग है, विक्रम करने वाले राजा हैं। विक्रमाजीत राजाओं देवी देवताओं को पूजा करते हैं। अभी विक्रमी संबत को तो 5000 वर्ष हुए, विक्रमाजीत राजा को 5000 वर्ष हुए, फिर द्वापर से लेकर विक्रम करना शुरू होता है, विक्रम जीतने की बात ही नहीं, तो विक्रम राजा का संबत शुरू होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, इनको 2500 वर्ष हुए, तब से अंधियारी रात शुरू होती है। सत्युग को ब्रह्मा का दिन नहीं कहेंगे, वो फिर कृष्ण का दिन हो जाता है। सत्युग में ब्रह्मा होता ही नहीं, तो रात कहेंगे ब्रह्मा की और दिन कहेंगे कृष्ण का। रात और दिन जरूर यहां ही होंगे, सूक्ष्म बतन में तो नहीं हो सकते। तो बाप समझाते हैं मैं क्या करके करता हूं, ये हार और जीत का खेल है जो भारत पर ही है। भारत में ही डबल सिरताज देवी देवताएं थे, भारत में ही बैठ करके तुम अभी लाइट और माइट ले रहे हो, फिर सत्युग में तुमको दोनों ताज मिलेंगे। पाप आत्माओं को कभी लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं, सन्यासी तो पवित्र बनते हैं तो उनको लाइट का ताज दिखाई देते हैं। अब बाप कहते हैं इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान से तुम विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। इसको गीता का ज्ञान कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको ये ज्ञान दे करके फिर चुप जाता हूं और फिर ये ज्ञान भी लोप हो जाता है, बाद में मुझे कोई भी याद नहीं करते। ये देवताएं कोई त्रिकालदर्शी थोड़े ही होते हैं, तुमको जो त्रिकालदर्शी बनाते हैं उनको तुम अभी याद करते हो, मनुष्य को त्रिकालदर्शी बना ही नहीं सकता। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से फिर रचयिता और रचना की नालिश तो हुई नहीं, कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बस उनका यही ज्ञान हुआ।
ये तो मनुष्यों को देवता बनाने का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं, मैं इस समय आप बच्चों को श्रृंगार कर रहा हूं, फिर गुम हो जाऊंगा, फिर ये ज्ञान न देवताओं में होगा, न क्षत्रियों में, न वैश्यों में, न शूद्रों में रहेगा, आखिरी फिर मैं ही आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाऊंगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, फिर तुम देवता बनेंगे। जो शूद्र धर्म से ब्राह्मण धर्म में आवेंगे, वो ही फिर सिकीदले राज भाग लेंगे। तो ये पाठशाला है जहां पाठ पढ़ाया जाता है नरसिंह नारायण बनने का। भगवान द्वारा भगवती भगवान बनना ही है, उनको भिन्न भिन्न नामों से सभी याद करते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कहना, गोया सभी नास्तिक हो जाते हैं। बाप के ऑक्यूपेशन को पूरा जानना चाहिए, बाप ही आकर के अपना परिचय बता सकते हैं। शादी करने के बाद जब बाप बनते हैं तो फिर क्रिएशन शुरू हो जाती है, कहेंगे मेरी स्त्री, मेरे बच्चे। अब ये कौन कहता है, यहाँ तो तुम आत्मा हो। अभी बेहद का बाप फिर कहते हैं, ये मेरी सारी सृष्टि रचना है, मैं भारतवासियों को बेहद की राजाई देता हूँ, वहाँ एक ही राजधानी, एक ही भाषा चलती है, यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी सुखी रहते हैं। यहाँ तो बीमार और रोगी भी बनते रहते हैं, क्या सन्यासी बीमार नहीं होते हैं? हाँ, कहेंगे जरूर कर्म ऐसे किए हुए हैं तो बीमार पड़ते हैं। अभी बाबा तुमसे ऐसे कर्म कराते हैं जो फिर तुम 21 जन्म कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। ये ड्रामा का राज अभी बैठ समझना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग नरक यहाँ ही है, जो सुख में है वो गोया स्वर्ग में है और दुख में है तो गोया नरक में है। बताओ ये विकर्म कौन कराते हैं? मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते कि विकर्म कौन कराता है और सुकर्म कौन कराने वाला है। 11-6-62 की वाणी का दूसरा पेज, फिर कह देंगे सब कार्य ईश्वरी करते हैं। अच्छा, ईश्वरी सब कुछ करते हैं, ईश्वर ने ही सब कुछ दिया है, ईश्वरी फिर ले लेते हैं, फिर क्यों रोते हो? अभी तुम जानते हो ये सारी सृष्टि खत्म होने वाली है, तुम अपने भविष्य 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बनाए रहे हो। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो सत्युग आने वाला है, कलयुग को तो तुम अभी छोड़ बैठे हो। तुम ना इधर के हो ना उधर के हो, बीच में हो। हमारा बुद्धि योग अभी बीच में है, हम 3/4 पूरा करके आए हैं। हाँ, ये टाइम क्यों लगता है? क्योंकि विकर्मों का बोझ बहुत है, और ये भी जानते हैं योग बल से विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर का बोझ बहुत है, तो बाप समझाते हैं हम क्या करते हैं, नई सृष्टि रचते हैं। सृष्टि तो है परंतु उसको पुरानी से नई बनाना है। ये सृष्टि खलास तो होती नहीं है, सृष्टि अनादि है, इसलिए पुरानी सृष्टि पुराने तन में आते हैं। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तमोप्रदान का भी अंत कहेंगे, पतित शरीर है, और ये भी उनसे सुनता है। किसने कहा? किसके लिए कहा? ब्रह्मा के लिए कहा, यह भी उनसे सुनता है। उनसे माने किन से? ब्रह्मा के तन में तो बैठा ही हुआ है।
बोलने वाला ब्रह्मा के तन में बोल रहा है, फिर ऐसे क्यों कहता है उनसे सुनता है, है? हाँ, जो आदि में पार्ट बजाया और अंत में जो पार्ट बजाने वाला है वो तरफ इशारा किया। ये कोई अपन को भगवान व कृष्ण आदि तो नहीं कहते, मनुष्य तो उल्टा सुल्टा क्या बोलते रहते हैं। ये भी ड्रामा की नूद है, कल पहले भी ये सभी हुआ था। इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े थे, पाप का बड़ा गरा बड़ा था, सो अभी फिर बढ़ेगा। बाप बच्चों को आज सदा सुखी बनाते हैं, उनको श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है। देवताएं जो श्रेष्ठ हैं उनसे भी श्रेष्ठ तो है ये श्री श्री 1008 जिसे कहते हैं, परंतु है तो श्री श्री 108 जगतगुरु उनको कहते हैं, उनकी माला भी जपते हैं। ऊपर में है शिव, फिर जिन्होंने सर्विस की है उन सर्विस करने वालों की 108 की माला है, उनमें भी 8 बहुत श्रेष्ठ होते हैं। नवरत्न कहते हैं ना, एक शिव बाबा और बाकी 8 रत्न। ये सूर्यवंशियों की 8 पीढ़ी बनती है। अब इन 8 को बनाने वाला कौन है? कहेंगे बाबा। फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है 16108। तो बाबा राजधानी स्थापन करके स्वर्ग बनाए, फिर गुम हो जाएगा। सब कुछ करके अपना पार्ट बजाए, फिर छुप जाते हैं। परंतु देखो माया आकर के ऐसी झड़कती है तो बाबा उनको आकर के जगा देते हैं। आत्मा आयरन एज बिल्कुल झुंझार हो जाती है। अभी अभी की ज्योति उन्हीं आई हुई है, सभी की ज्योति उन्हीं आई हुई है, फिर आकर के जगाते हैं। तमो प्रधान मनुष्य जो नरक में पड़े हैं, फिर अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाए, पापात्मा ठहरे। ऐसे को बाबा ने नरसिंह रूप से विनाश कराया। बाकी और कोई बात नहीं है, नर नारी को आकर के शेर जैसा बनाए देते हैं। तुम सुख की दुनिया के लिए कितनी गजगोर करते हो। बाकी कोई भंबोर आदि से निकलने की बात नहीं है, ये तो गुड़ियों का खेल बैठ बनाया है, बहुत खेल बनाए हैं। वास्तव में हैं सभी फालतू। बाबा तो मूल वतनवासी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर मूल वतनवासी, और आदिदेव आदिदेवी लक्ष्मी नारायण राम सीता कहाँ हुए हैं वो किसी को पता ही नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदिदेव आदिदेवी लक्ष्मी नारायण राम सीता है, यही हुए हैं, बाकी तो सब हनुमान गणेश आदि हैं ही नहीं। ये सभी गुड़ियों के खेल बैठ बनाए हैं। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, भगवान आते हैं तो सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग तो बहुत बड़ा है, ये थुर तो बहुत छोटा होता है, जाड़ बड़ा होता है। भक्ति मार्ग का फैलाव बहुत है, किस्म किस्म की मत है, कोई किसको मानेंगे कोई किसको मानेंगे, अनेक मत मतांतर है। इसलिए फिर ये मंत्र पढ़े हैं। बाप आए सभी वेद शास्त्रों सतो प्रधान सन्यास और रजो तमो प्रधान सन्यास सभी का राज समझाते। सन्यासियों को रजो प्रधान सन्यास कहा जाता है, तुम्हारा है सतो प्रधान सन्यास, तुम्हारे सन्यास से कोई को दुख तो नहीं होता है, भारत को कुछ न कुछ मदद तो करते हैं ये सन्यासी, तुम्हारा कहेंगे सतो प्रधान सन्यास। दिखाते हैं
गोवर्धन पर्वत को उठाया, पत्थर के पर्वत से सोने का हो गया। अब बात कहां की कहां ले गए। बाबा बैठ समझाते हैं, वास्तव में पूजा किसकी होनी चाहिए? पूजा तो संगम युग वालों की होनी चाहिए। ये हम भारत को सोना बनाते हैं, वहां घी की नदियां बहुत रहती हैं, हीरों जवाहरातों के महल रहते हैं। अभी अमेरिका का कितना मान है, कितना साहूकार है, उनको साइंस का कितना घमंड है। सुख भी इस साइंस से मिलता है और मौत भी इस साइंस से ही होती है। अमेरिका के पास तो अनगिनत पैसे हैं, कितना पैसे भारत को देते रहते हैं। तुम जानते हो ये उनकी रिटर्न सर्विस है, इन्होंने भारत को बहुत लूटा है। क्रिश्चियंस और कृष्ण का आपस में लेन देन का ये हिसाब किताब है। फिर बाबा उन्हों का विनाश कराए कर मक्खन तुमको दे देते। कृष्ण के मुख में बैकुंठ की बादशाही देते हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है। सुप्रीम सोल जरूर कोई शरीर में आया होगा ना, परंतु ये बात किसी को पता नहीं है कि कब आया, कैसे आया, क्या कर किया। हाँ, शिव के मंदिर बनाए हैं यादगार, उनकी जयंती भी मनाते हैं। अब जयंती मनाते हैं तो जरूर आया होगा ना। 1162 की वाणी का तीसरा पेज। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी भारत में यादगार है, सोमनाथ मंदिर भी है। बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा आए सोमरस पिलाता हूँ, जिससे तो मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा कलश देते हैं माताओं को, ये माताएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं, इसलिए बाप भी कहते हैं वंदे मातरम। मैं उनको अनुसुईया कुंतियाँ बनाता हूँ, तुम कुंतियाँ हो जो शिव बाबा का आवाहन करती हो। कन्याओं माताओं को स्वप्न में बाल लीला दिखलाते हैं, शिव बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मेरे को दूध और आके के फूल मक्खन आदि क्यों चढ़ाते हैं? कृष्ण तो कभी यहां आ भी नहीं सकता है, वो तो सतयुग का प्रिंस है। कृष्ण का जन्म ही सतयुग में होता है, कृष्ण की आत्मा ही पुनर्जन्म लेती रहती है। कृष्ण की आत्मा जन्म लेती है, उनका बैठ बतलाते हैं, तो सभी नंबर 12 ऐसे जन्म लेते हैं। पीछे आने वाले दूसरे धर्म वालों के जन्म थोड़े ही लेंगे। बुद्धि में सारे ड्रामा को याद रखना है। यहां भी तुम देखते हो हमारा यादगार खड़ा है, वहां पत्थर की काली मूर्ति है और अचल घर में सोने की मूर्ति रखी हुई है। इसका क्या राज है, है? यहां तुम हो तमो प्रधान, तो तमो प्रधान की यादगार काली मूर्ति रखी हुई है। और जब तुम ऊंची स्टेज में जावेंगे, अचल घर ऊंची स्टेज में है ना, ऊंची स्टेज में जावेंगे तो तुम तुम्हारी मूर्ति भी सोने की हो जाएगी। राजयोग से पत्थर से पार्स बन जाते हैं ना, ये पूरा यादगार बना हुआ है। नाम बहुत रख दिए हैं, ब्रह्मा को अनेक भुजाएं दे दिए। अब हैं तो दो ही भुजाएं, चार भुजा वाला मनुष्य तो होता नहीं। सतयुग का प्रिंस भी दो भुजा वाला था, जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही। ये है गुप्त सेना, किसको पता थोड़े ही है। भारत की राजधानी स्थापन हो रही है, नई दुनिया से नई देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जो गांधी जी पुरुषार्थ करते थे, परंतु वो तो कर ही नहीं सके। कहते हैं पत्थर पत्थर में भगवान है, फिर वो पत्थर से माथा फोड़ो ना। भगवान कहते हैं मुझे भी रुलाए दिया है, मैं तो जन्म मरण रहता हूँ।
मुझे कण कण में कहाँ ठोंक दिया, मैं न सूक्ष्म हूँ न स्थूल शरीरधारी हूँ। सभी क्लियर लिखा पड़ा है, परंतु कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई फिर उल्टे सुलटे प्रश्न पूछते रहते हैं। अनेक प्रकार की मतें हैं, कोई मिलकर के अगर आते हैं हुजूम बना करके, तो एक एक को अलग अलग समझाना चाहिए, क्योंकि हर एक की अलग अलग मत है। एक की मत मिले न दूसरे से, दूसरी मत वाला आकर के बैठा होगा तो हैरान कर देंगे, ला ऐसे कहता है, तो हर एक को अलग अलग समझाना है। फिर जो अच्छा समझने वाला होगा वो चटक जाएगा, यहां तो तुम सभी की मत एक है। इसको कहा जाता है अद्वैत मत, और उनकी है द्वैत मत। द्वैत मत से बनते हैं दैत्य, और अद्वैत मत से तुम बनते हो देवता। तुम्हारी देवता बनने की मत है, बाकी सभी की है आसुरी मत। तुमको परमपिता परमात्मा से श्रीमत मिलती है तो पानी के बादल भर करके जाए वर्षा करते हैं, तुम हो ज्ञानामृत के बादल। सागर पास आवे ही ऐसे जो भर करके फिर बरसात को बरसावे, नहीं तो इतना पद पाए नहीं सकेंगे। अगर अपनी प्रजा नहीं बनावेंगे तो राजधानी कैसे बनावेंगे। यह है परमपिता परमात्मा शिव के देवी देवता धर्म स्थापना की मशीन। जो देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, बाकी तो अभी सभी धर्म हैं, बाबा फिर वो टांग स्थापना करके और सारी टांगे तोड़ डालेंगे। शिव बाबा महादानी कितना माला माल बनाते हैं भारत को, सहज ज्ञान और सहज राजयोग की ताकत से बनाते हैं। ज्ञान रतन लेकर के दान करना है, फिर उसमें नंबर बार बन जाते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वो ईश्वर के मालिक बनेंगे, फिर चाहे राजा बने चाहे प्रजा बने, जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। अच्छा, ओम शांति।